जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अंश पांडे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पोल क्या होता है। मैग्नेट में जिस पॉइंट पर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है उसे पोल कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस किसी मैग्नेट से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मैग्नेट के फोकल पॉइंट से होकर जाने वाली एंड परपेंडिकुलर इमेजिनरी एक्सिस को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ये पोल को डिवाइड करता है जहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं होता। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर कंप्लीट होती हैं, जिससे एक इमेजिनरी कर्व बनता है जिसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज्ड एंड कॉन्टीन्यूअस कर्व बनाती हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेट के आउटसाइड नॉर्थ पोल से साउथ पोल एंड मैग्नेट के इनसाइड साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चलती हैं। टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। रीज़न है सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी एक दूसरे को रिपल करती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अपना कर्व किसी मैग्नेटिक मीडियम से पूरा करने का प्रयास करती है। मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिज्म करने का प्रयास करती है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें मैग्नेटिक नीडल द्वारा उसके इफ़ेक्ट का एक्सपीरियंस्ड किया जा सके उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे ही हम किसी आयरन के पीस को मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो कुछ दूर पहले ही मैग्नेट उसे खींचने लगता है। इसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर या गॉस भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर में 10^4 गॉस होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखे हुए यूनिट पोल पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब हम किसी एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ले जाते हैं या तो वह अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपल होंगे, उसकी जो इंटेंसिटी होगी इसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला एच बराबर एफ एम अपॉन एल या एच बराबर एन आई अपॉन एल होता है। यूनिट इसकी एम्पियर टर्न पर मीटर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की टोटल नंबर को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसकी SI यूनिट वेबर है। मैक्सवेल इसकी एक और यूनिट है। एक वेबर में 10^8 मैक्सवेल होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के वर्टिकल प्लेस के यूनिट एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के नंबर को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसे कैपिटल B से डिनोट करते हैं। इसकी SI यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।